यहाँ की तकदीर बदलाई वो इस पर कम्प्लीटली नाकाम है जी। सड़कों का हाल बुरा है, कीमतें आसमान की तरफ जा रही है, गरीब पिस रहा है, राशन की ये हालत है, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, आज उनको 3 किलो जी मिलता है। बताइए ऑफिसर, किलो में जहाँ पर आज पूरे किल्लत है पानी की, कोई चीज़ अच्छी तरह से पैदा नहीं हुई जी। और ख़ासकर ठंडी एरिया, वो लोग भूखे नहीं मरेंगे तो क्या करेंगे। इसे मेरी गुजारिश है मीडिया के ज़रिए से उस हुकूमत कि इन हलाकों में जिनमें बेरोज़गारी बहुत है, बीमारी से निपटे हुए हैं, उनके लिए राशन का और इंक्रीज़ करना चाहिए। और विंटर महीनों के लिए जिस तरह उमर साहब के वक्त में इन्हें फ्री राशन दिया गया था, इन इलाकों में फ्री राशन देना ज़रूरी है अगर हमने अपनी आबादी को बचाना है। आपने अभी एक अपने बयान में कहा कि हम चाहते हैं कि हम पेशावर जाएं, उनके साथ बातचीत करें, वहाँ पे भी बैठें, तो आपने ये क्या हुआ जी? जी जी, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती का माहौल पैदा होना चाहिए। हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम कहते हैं हमारी जो खुद मुख्तारी थी उसको बहाल करो और उसके साथ साथ पाकिस्तान से बातचीत करके ये मामला तय करो, और उसके साथ जो पाकिस्तान का हिस्सा है उनको भी वही खुद मुख्तारी मिले जो हमारे पास है। जो फारूक साहब, रास्ता आसान होगा, हमारे लोग आसानी से वहाँ जा सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, आ सकते हैं, शादी और गम में शरीक हो सकते हैं, ये हम चाहते हैं। जो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन नेशनल सरकार में पास हुई थी, कहा जाता है कि उसे रद्दी के एक डब्बे में डाला गया, ऐसा क्यों था? अगर वो रद्दी के डब्बे में डाला होता तो फिर आज चिदम्बरम साहब ये नहीं कहते कि यही एक सूरत है। आज़ादी नहीं मांगते हैं कश्मीरी, वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनका हक था हिंदुस्तान के आईन में उसे बहाल किया जाए जी। आने वाले साल में इलेक्शन भी होने वाले हैं, आने वाले 2 साल, क्या मानते हैं आप किस तरह का सपोर्ट मिलेगा सर? ये अल्लाह जानता है और ये लोग जानते हैं, हमारा फ़र्ज़ है बेहतरी करना, हमारा फ़र्ज़ है अच्छी तरह से आगे बढ़ना और लोगों की मुश्किलात को कम करना, जो हमने पहले भी किया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हम कामयाबी बख्शी तो आगे भी हम सदमत से लोगों की मुश्किलात को